नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में पिछले 10 दिनों से लगातार गुर्जर आंदोलन जारी है। कल एक बार ऐसा लगा कि अब गुर्जर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बुलावे पर गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना वार्ता के लिए पहुंचे थे। कर्नल बैसला और मंत्री अशोक चांदना के बीच तकरीबन 2.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही और अशोक चांदना बैरंग ही लौट आए। खैर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी अशोक चांदना और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन के साथ गुर्जर नेताओं के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई। यानी साफ हो गया है कि अब गुर्जर आंदोलनकारी पटरियों पर ही अपनी दिवाली मनाएंगे। खैर, कल क्या कुछ रहा वार्ता में, इसका पूरा ब्यौरा साझा किया है विजय बैसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र ने। बैठक के बाद क्या कुछ कहा है विजय बैसला ने, सबसे पहले उसे सुनिए। हम बहुत विश्वास के साथ यहाँ आए थे कि कुछ मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने चेक दिखाए 3 विधवाओं के और 1252 का नियमितीकरण की चिट्ठी दी, लेकिन उसके अंदर में चिट्ठी में लिखा है कि 9 तारीख से ही एप्लीकेबल होगा और जो पुराने एरियर हैं वो कुछ नहीं मिलेंगे और बैक डेट से नहीं। अगर कोई व्यक्ति पिछले 2.5 साल से नौकरी कर रहा है और आज आप 27 उसको कर रहे हो, तो इतने सालों की जो मेहनत गधा मजूरी कर रहा था उसका क्या होगा भाई। तो एक तो ये प्रॉब्लम है और उसके ऊपर उनको अब जो करेंगे वो जानेंगे ना। प्रक्रियाधीन भर्तियों के ऊपर कुछ ना, बैकलॉग पे कुछ। बैकलॉग का हमने उनको और आसान करके बताया कि बैकलॉग का आप दो टुकड़ों में बांट लीजिए, एक तो वो जो हो चुकी हैं, एक जो आने वाली हैं। 2008 का नोटिफिकेशन हमने उनको बताया और कहा कि इस नोटिफिकेशन के तहत आप ऑर्डर जारी करें जिससे पूरे ओबीसी समाज को बैकलॉग भर्तियों में बैकलॉग का फायदा निरंतर मिलता रहे, लेकिन इस पे भी कोई चीज बनी नहीं। केसेस की लिस्ट जो निस्तारण हुए हैं वर्बली वो बता के गए, अभी तक हमें मिली नहीं है। इसके अलावा देवनारायण योजना के लिए उन्होंने केवल वर्बल डिस्कशंस किए हैं, कागज केवल 1252 का हमें दिखाया और कुछ नहीं है। चेक्स हैं और उन्होंने ऊपर ये भी कहा कि ये पूरा पैकेज है, तो मैं उसके बारे में क्या कहूं मैं समझ नहीं सकता, लेकिन इतना जरा कहूंगा कि मीटिंग तो हो गई लेकिन मीटिंग में मजा नहीं आया, सकारात्मक कतई नहीं रही। हम वापस पटरी पे जा रहे हैं, हम पटरी पे बैठे रहेंगे और आंदोलन जारी होगा और रहेगा। समाज ने पूरा ये कहा कि भाई हम तो चाहते थे कि आपसे कुछ चर्चा हो जाए, कुछ पॉजिटिव निकल आए। हमने ये भी उनको यहां तक कहा कि आप एक काम करें, जो भी बातें हमने यहां करी हैं उनको आप बना करके सीएम साहब को बता दें, और अगर आप चाहें और सीएम साहब अगर चाहें इन चीजों का निस्तारण करना तो गहलोत जी को ये फीडबैक दे दे और आप बता दे गहलोत जी, हम अपनी टीम लेकर के गहलोत जी के पास भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज के जो लोग नुमाइंदे यहाँ आए थे वो यहाँ से वहां भी जा सकते हैं, बशर्ते आप इनको रिजोल्व करने की इच्छा रखते हो। ये प्रॉब्लम रही है और सकारात्मक तो रही नहीं। हाँ, बात अच्छी हुई लेकिन बात का कोई निर्णय नहीं निकला, आंदोलन जारी रहेगा। तो सुना आपने विजय बैसला का बयान, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब समाज के लोग दिवाली पटरियों में ही बैठकर मनाएंगे। अब यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच वार्ता सफल नहीं हो पा रही है। बहरहाल, अब आपको हम बता दें कि जो सूबे की गहलोत सरकार है वो आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त हो गई है। कल बैसला सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होने की खबर आई है कि जिस प्रकार से राजकारण में जो बाधा डाला जा रहा है इसके तहत गुर्जर नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी साफ हो गया है कि अब गहलोत सरकार आंदोलनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करेगी, यानी आंदोलनकारियों के खिलाफ शिकंजा कसने जा रही है। वही खबर ये भी आ रही है कि अब रेलवे जो है, रेलवे प्रशासन की ओर से भी आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
आपको बता दें, यदि गुर्जर नेताओं के खिलाफ रेलवे मुकदमा दर्ज करती है तो ये मामला पूरा केंद्र सरकार के अधीन होता है, लिहाजा राज्य सरकार भी इस मुकदमे को वापस नहीं ले सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। यही वही विरोधी गुट हिम्मत सिंह गुर्जर की बात करें तो वो लगातार बैसला गुट पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विजय बैसला की राजनीति को चमकाने के लिए, विजय बैसला को लॉन्च करने के लिए गुर्जर आंदोलन का सहारा लिया जा रहा है और समाज के युवाओं को बेवजह ही भड़काया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा होता है और यक्ष प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर गुर्जर आंदोलन समाप्त क्यों, कब होगा? क्योंकि ये त्योहारी सीजन चल रहा है, दिवाली, 4 दिन बाद दिवाली का त्योहार है और जिस प्रकार से गुर्जर नेता पटरियों पर बैठे हुए हैं उससे कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, कई ट्रेनें सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। तो लिहाजा यदि ऐसा ही रहा तो त्योहारी सीजन में लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर अब जिस प्रकार से वार्ता असफल रही है उससे एक बात साफ हो जाती है कि अब गुर्जर नेता पायलट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, यानी आगे की क्या रणनीति बनाएंगे उस पर भी वो जुट गए हैं। गौरतलब है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने 2 दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि अब पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। लिहाजा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गहलोत के दूत मंत्री अशोक चांदना और गुर्जर नेताओं के बीच जो वार्ता असफल रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है या तो गुर्जर नेताओं पर या तो सरकार पर कि आखिर क्यों वार्ता सफल नहीं हो पा रही, आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। खैर सवाल कई हैं लेकिन जिस प्रकार से वार्ता बार बार बेपटरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार राजस्थान में गुर्जर आंदोलन लंबा खिंचने वाला है। और वैसे भी मुख्यमंत्री गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि गुर्जरों की सभी मांगे मान ली गई हैं और अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को पटरी छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार।